हेलो फ्रेंड्स, ये देखो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट। तो देखिए, जिसके लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं, पीला और मैरून, और ये मैंने 9 नंबर सिलाई ली है। और जिसमें देखिए, डोरमेट बनाने के लिए ये मैंने 24 फंदे डाले हुए हैं। तो 24 फंदों में मैं आपको आज बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डोरमेट बनाकर बताऊँगी। हम इसे कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए आप उतना बड़ा इसे बना सकती हैं। बनाने का तरीका सेम रहेगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे फंदे ले लेंगे। जिस तरीके से आपको आते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे फंदा ले लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने वूल को फोल्ड किया हुआ है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप सिंगल ऊन से बना लें। हम इसे पुरानी साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं। बनाने से पहले प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। तो चलिए अब बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो फंदे डालने के बाद पहली सिलाई हम देखिए इस तरीके से उल्टी उल्टी बनाएंगे। फंदे डालने के बाद हम एक सिलाई देखिए इस तरीके से उल्टी उल्टी बनाएंगे। बहुत ही आसान है बनाने में और देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है। एक बार बनाकर जरूर देखें। प्लीज़ वीडियो को देखकर एक लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, तो पहली सिलाई में ही हम यहाँ पे 3 फंदे इस सिलाई में छोड़ देंगे। ये देखिए, 1 2 3, 3 फंदे हम इस सिलाई में छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। देखिए, इस तरीके से ऊन को पीछे करेंगे और सिलाई को पलट लेंगे। और इधर से भी देखिए, हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए, ये सिलाई भी हमें पलटने के बाद इस तरीके से उल्टी उल्टी बनानी है। ये देखिए, तो ये 2 सिलाइयाँ हमने फंदे डालने के बाद दोनों तरफ की उल्टी उल्टी बना ली हैं, और इधर हमने 3 फंदे इस सिलाई पे छोड़े हैं। अब देखिए, यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इस सिलाई से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम 4 फंदे इस तरीके से डाल लेंगे। देखिए, 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमने यहाँ पे डाल लिए। अब देखिए, यहाँ पे बना लेंगे 4 फंदे इस सिलाई को। देखिए, 1 2 3 4, ये हमारे जो 4 फंदे हैं वो वाले फंदे बना लिए। अब आगे के फंदों को बना लेते हैं। आप अपनी पसंद के कलर ले लें, जो भी आपको पसंद हो। पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी इसे बहुत ही आराम से बना सकते हैं। साड़ी या चुन्नी से बनाते हैं तो वो हमारा और भी अच्छा रहता है, जिसे यूज करने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, तो 3 फंदे हम फिर से इस सिलाई में छोड़ देंगे। तो 3 फंदे पहले छोड़े थे, 3 फंदे अब के छोड़ेंगे। देखिए, और यहीं से हम बुल को पलट लेंगे और सिलाई को भी, और इधर से भी हमें इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाना है।
ये देखिए, तो इधर की सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, जो फंदा जैसा है हमें वैसा ही बनाना है। तो ये साइड हमारी सीधी रहेगी और इधर की हमारी उल्टी रहेगी। जो धागे हमारे निकलते रहते हैं तो उनकी तो फिनिशिंग हम बाद में कर लेते हैं, जब हमारा डोरमेट पूरा बन जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, ये चार फंदे जो बनाए हैं वो हमें इसमें इस सिलाई पे घटाने हैं। तो देखिए, दो का एक करेंगे, एक वापस सिलाई में डालेंगे, ये देखिए दो, फिर वापस सिलाई में डालेंगे, ये देखिए तीन, फिर से वापस सिलाई में डालेंगे, ये देखिए चार। तो ये चार फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं और आगे के फंदे हम देखिए इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, तो तीन फंदे हम फिर से छोड़ेंगे इस सिलाई में। ये देखिए, तीन फंदे हम फिर से छोड़ेंगे, ये देखिए, और ये देखिए तीन, तो तीन फंदे हम फिर से छोड़ देते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो इधर से तो हमें इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए, तो इधर की सिलाई हमने बना ली। अब देखिए, यहाँ पे हम दूसरी कली बनाएंगे। ये हमारी एक कली हो गई, अब दूसरी कली बनाने के लिए हम यहाँ पे छः फंदे बढ़ाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए छः। तो पहले हमने चार फंदे बढ़ाए थे, अब हमने छः फंदे बढ़ाए हैं दूसरी कली बनाने के लिए। अब देखिए, फिर से हम इसी तरीके से बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये बढ़ाए हुए फंदे बना लिए। अब आगे के फंदों को भी बना लेते हैं। ये देखिए, तीन फंदे हम फिर से छोड़ेंगे। ये देखिए, तीन फंदे हम फिर से छोड़ते हैं इस सिलाई में और यहीं से हम पलट लेंगे। और इधर से भी बना लेंगे इसी तरीके से। तो चलिए, मैं बना लेती हूँ इस सिलाई को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इधर की सिलाई बना ली है। अब आ गए देखिए फिर से उल्टी तरफ। तो यहाँ पे फिर से फंदे घटाएंगे, जो फंदे हमने बढ़ाए थे छः फंदे उन्हें हम घटा देंगे। तो एक, फिर से वापस सिलाई में डाला, देखिए दो, वापस सिलाई में डालेंगे तीन, वापस सिलाई में डालेंगे चार, वापस सिलाई में डालेंगे पाँच, वापस सिलाई में डालेंगे छः। तो ये छः फंदे हमने यहाँ पे फिर से घटा दिए। अब आगे के फंदों को भी बना लेंगे। ये देखिए, फिर से हम तीन फंदे इस सिलाई में छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो इधर की सिलाई भी हम बना लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए, तो ये हमने दो कली बना ली हैं, पहले चार, ये देखिए पहले चार की, फिर छः की। अब देखिए, फिर से हम तीसरी कली बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आठ फंदे डालेंगे, एक
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ये देखिए, आठ फंदे हमने तीसरी कली बनाने के लिए डाले हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं इसे बना लेती हूँ और इधर से हमें तीन तीन फंदे ही छोड़ने हैं। तो चलिए, मैं इस कली को बना लेती हूँ और चौथी कली पे आपको फिर से दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तीसरी कली बना ली है इसी तरीके से, और इधर से मैंने तीन तीन फंदे छोड़े हैं। तो ये हमारे यहाँ पे तीन फंदे बाकी बचे हैं जो हमने नहीं छोड़े हैं। तो अब देखिए, हम यहाँ पे चौथी कली बनाएंगे। तो देखिए, पहले हमने चार फंदों की बनाई थी, फिर छः फंदों की, और ये आठ फंदों की। अब के हम बनाएंगे 10 फंदों की कली। तो उसके लिए हम डाल लेते हैं, देखिए, 10 फंदे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ये देखिए, हमने 10 फंदे डाले हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये 10 फंदे हमने चौथी कली बनाने के लिए डाले हैं। ये हमारी सेंटर वाली कली रहेगी, जो बीच में आएगी वो कली रहेगी हमारी ये। तो देखिए, इसे भी हम बना लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ये 10 फंदे हमने, देखिए, जो बढ़ाए थे वो बना लिए। अब देखिए, यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। आगे के फंदे नहीं बनाने हैं, यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। जो हमारे 3 फंदे बचे थे वो भी हमारे यहाँ पे छूट गए हैं। अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और इधर से ये देखिए इस तरीके से बना लेंगे। जो हमारे 10 फंदों की कली बना रहे हैं, उसमें देखिए हमें ये 10 फंदे ही इधर से बनाने हैं। ये हमारी सेंटर वाली कली रहेगी। ये देखिए, अब देखिए इधर से हम फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, 2 का 1 करेंगे, एक, वापस सिलाई में डाला, ये 2, वापस सिलाई में डाला, 3, वापस सिलाई में डाला, 4, वापस सिलाई में डाला, 5, वापस सिलाई में डाला, 6, वापस सिलाई में डाला, 7, वापस सिलाई में डाला, 8, वापस सिलाई में डाला, 9, और वापिस सिलाई में डाला, ये देखिए 10। तो 10 फंदे हमने ये घटा दिए हैं। अब देखिए, एक फंदा यहाँ पे है हमारा, और 2 फंदे और हम आगे के बना लेंगे। ये देखिए, एक, दो। तो यहाँ पे हो गए ये हमारे 3 फंदे। अब देखिए, यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और इधर के भी ये 3 फंदे हम बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सेंटर वाली कली बना ली। अब देखिए, यहाँ से हम फिर से ये 3 कलियाँ बनाएंगे। तो इधर से हम पहले 8 वाली कली बनाएंगे, यानी कि ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। तो पहले 8 वाली, फिर 6 वाली, और फिर 4 वाली। तो ये सेंटर बीच वाली हो गई और 3 ये हमारी साइड वाली हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, इस वाली कली बनाने के लिए हम अब 8 फंदे डालेंगे, एक, दो, तीन,
चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ फंदे डाले, अब बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो ये बढ़ाए हुए फंदे बना लिए। अब आगे के फंदे बना लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने छोड़े थे, अब उसी तरीके से हम फंदे हर सिलाई पे तीन तीन बनाएंगे। तो यहाँ पे आगे के फंदे तीन फंदे बना लेते हैं। एक, दो, तीन। तो हमें तीन फंदे ही हर सिलाई पे बनाने हैं। तो चलिए तीन फंदे बना लिए और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। और इधर से तो हमें इसी तरीके से बनाना है, जो फंदा जैसा है वैसा ही बनाना है। ये देखिए, तो इधर से भी हमने बना ली है पूरी सिलाई। ये देखिए, अब देखिए हम कली बनाने के लिए फंदे घटा देंगे। तो आठ फंदे घटा लेते हैं। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो आठ फंदे घटा दिए। अब आगे के फंदे बना लेते हैं। ये देखिए, अब तीन फंदे हम आगे से बना लेते हैं। ये देखिए, तीन फंदे बना लिए। अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और इधर से भी बना लेते हैं इस सिलाई को। ये देखिए, तो ये हमारी आठ कली वाली कली भी बन गई, यानी कि ये वाली कली हमारी इधर बन गई है। अब ये वाली कली बनाएंगे। तो इसके लिए हम फिर से छः फंदे बढ़ा लेंगे। तो ये हमारी आठ फंदों की थी, ये छः फंदों की। अब छः फंदे हम यहाँ पे फिर से डालेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः फंदे डाल लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं इस कली को बना लेती हूँ और चौथी कली पे मैं आपको फिर से बताऊँगी। तो इधर से तो हमें तीन तीन फंदे हर सिलाई पे लेने हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम बना लेते हैं इस सिलाई को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ये वाली कली भी बना ली, छः फंदों वाली कली भी। अब देखिए हम बनाएंगे चार फंदों वाली कली। तो इसके लिए हम फिर से चार फंदे डालेंगे। एक, दो, तीन, चार। अब बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार। आगे के फंदों को भी बना लेंगे। तो इधर से हम तीन तीन फंदे हर सिलाई पे बनाते हुए आ रहे हैं। जिस तरीके से छोड़े थे उसी तरीके से हम तीन तीन फंदे हर सिलाई पे बना रहे हैं। ये देखिए, आगे से तीन फंदे बना लेते हैं। एक, दो, तीन। और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और इधर से भी बना लेंगे इसी तरीके से।
तो ये देखिए ये सिलाई भी हमने इधर से बना ली है। अब हम कली बनाने के लिए फंदे घटा देते हैं, दो का एक करेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे घटा दिए, आगे के फंदों को भी बना लेंगे। और आगे से भी हम तीन फंदे बनाएंगे। देखिए आगे से बना लेते हैं, एक दो तीन, और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और इधर से भी बना लेंगे इस सिलाई को इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाली कली भी हमने बना ली है और इधर की सिलाई भी। तो देखिए एक कली ये हमारी यहाँ से यहाँ तक बन गई है। अब देखिए इसमें हम दूसरा कलर लगाएंगे, तो इसी सिलाई से हम यहाँ पे दूसरा कलर लगा देंगे। ये तीन फंदे हमारे इधर बचे हैं तो इन्हीं इसी सिलाई पे हम तीन फंदों को बना लेंगे। तो चलिए मैं दूसरा कलर इसमें लगा लेती हूँ दूसरी कली बनाने के लिए। तो इसमें देखिए हम पीला कलर लगा लेंगे। तो जो हमारे बड़े हुए धागे हैं उन्हें हम उनकी फिनिशिंग बाद में कर लेते हैं। तो हम दूसरी कली बनाने के लिए इसमें कलर लगा रहे हैं। ये देखिए तो तीन फंदे बचे थे, इन्हें हम इस सिलाई पे ही येलो कलर से ही बना लेंगे। ये देखिए तो हर बार हर कली में ये हमारे तीन फंदे बचेंगे, तो जब हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे तो उसी कलर से हम उन तीन फंदों को बना लेंगे। अब देखिए इधर से हम इस सिलाई को बना लेते हैं इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर दूसरा कलर लगाते हुए एक सिलाई इधर की बना ली है, यानी कि दोनों तरफ की ये हमारी दो सिलाई बन गई हैं। अब देखिए हम दूसरी कली बनाने के लिए बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सिलाई हम इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे शुरू में बनाई थी। तो पूरी सिलाई को हम इस तरीके से यहाँ पे उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए अब तीन फंदे हम इस सिलाई में यहीं पे छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। अब इधर से भी बना लेंगे इस सिलाई को पूरा इसी तरीके से। ये देखिए तो इधर की भी सिलाई हम बना चुके हैं। ये देखिए अब देखिए यहाँ से हम ये कली बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए ये वाली कली बनाएंगे हम यहाँ पे। तो फिर से हम चार फंदे बढ़ाएंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे बढ़ाए। अब देखिए बना लेते हैं हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने ये वाली कली बनाई थी। तो चार फंदे बना लेंगे, एक
दो, तीन, चार, आगे के फंदे बना लेंगे। और देखिए फिर से हम तीन फंदे इधर छोड़ देंगे। ये देखिए तीन फंदे पहले छोड़े थे, तीन अब की बार छोड़ेंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और इधर की सिलाई भी बना लेंगे इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इधर की सिलाई भी बना ली है। अब देखिए हम इस कली के बनाने के लिए चार फंदों को घटा देंगे, जिस तरीके से हमने इस कली में घटाए हैं उसी तरीके से हम इसमें घटाएंगे। तो दो हो गए, तीन, चार, और आगे के फंदे बना लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारी अब कली बनेगी जिस तरीके से हमने ये बनाई है। तो पूरा डोरमेट फ्रेंड्स इसी तरीके से बनेगा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसमें चार पांच कली, उसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये पांच कलियां बना ली हैं। तो ये देखिए हमारा आधा डोरमेट यहाँ पे बनकर कंप्लीट हुआ है। इसमें अभी पांच कलियां और बनेंगी, ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाया है जिस तरीके से मैंने आपको ये बनाकर बताया है। और दिखने में देखिए अभी आधा ही बना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा बनने के बाद तो बहुत ही प्यारा लगेगा, एक बार बनाकर ज़रूर देखें। तो चलिए इसी तरीके से मैं इसे पूरा बना लूँगी, आप भी बना लीजिए।